मैं अंदर घुस चुका हूँ प्रेम मंदिर में, आपको नजारा दिखाऊंगा प्रेम मंदिर दिखता कैसे। तो पूरा प्रेम मंदिर है, पूरा प्रेम मंदिर है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन भी है। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मिस्टर गो चैनल में, यानी मेरे चैनल में। तो आज सुबह 4 बजे का मेरा ट्रेन था, तो मैं वहाँ की कई चीज़ें दिखा नहीं पाया था आप लोगों को। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो सबसे फर्स्ट मेरा जो स्टेट है वो यूपी होने वाला है, वो मथुरा है। यूपी में मैं मथुरा में जाने वाला हूँ, और वहाँ से मैं अपना 29 स्टेट की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। सुबह 4 बजे के करीब बैठ गया था मैं ट्रेन पे, और अभी हम बिहार के अंडर में हैं, बिहार में। तो यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है एक स्टेशन में। तो इस सफ़र में बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सफ़र नहीं है 29 स्टेट का। जो मैंने ये टारगेट बनाया है, जो हमारे अमर शहीद थे उनके लिए, आत्मा शांति के लिए, उनके आत्मा शांति के लिए मैं 29 स्टेट जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी ये चीज़ पॉसिबल होने वाला है। बिना आपके सपोर्ट के ये चीज़ होने नहीं वाला है। तो प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बाकी जो भी चीज़ है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं ट्रेन में हूँ, अब शायद मैं सीधे आपसे जब मैं मथुरा में पहुँच जाऊँगा तभी तो तभी चीज़ें दिखाऊँगा। चलिए मिलते हैं तब तक। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मथुरा में, और ये हमारी ट्रेन जा चुकी है, इसने उतार दिया। अब मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद आश्रम के लिए। यहाँ पर आश्रम वगैरह बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मैं आश्रम में स्टे करूँगा। देखते हैं, अब बाहर जाऊँगा कहाँ के लिए। एग्जिट खास है, यहीं से होगा शायद एग्जिट, यहीं से है, तो यहीं से करेंगे। तो अभी होटल, अभी यहाँ पर आश्रम में स्टे करूँगा यहाँ से मैं। उसके बाद फिर देखते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा। 3 दिन का सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र हुआ हम से, और ट्रेन भी 4 घंटे लेट। तो अभी यहाँ से थोड़ी देर बाहर रुकूँगा, थोड़ा रिफ्रेश होऊंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा जहाँ पर जाना है। तो शायद एक टूरिस्ट लॉन्च करके है वहाँ पर, काफ़ी अच्छी जगह है, तो वहीं पर जाऊँगा। तो हम बाहर आ चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन से। तो थोड़ा यहाँ बाहर थोड़ा देखूँगा कि क्या है, कहाँ से जाना है करके। पहले यहाँ से थोड़ा एक दो पूछताछ करूँगा, उसके बाद जहाँ पर जाना होगा नहीं तो यहाँ पर थोड़ा देखूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसके बाद ही देखूँगा जहाँ जाना होगा। और यहाँ पर हमें वृंदावन के लिए ऑटो मिल चुका है, अब थोड़ा वृंदावन जाके वहाँ पर देखते स्टे करने का क्या है। यहाँ से कितना दूर है भैया वृंदावन? 15 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से फिर वृंदावन में, रहने के लिए तो बहुत सारे आश्रम वगैरह होंगे ना, तो वहाँ पर किसी एक आश्रम में स्टे करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन में मथुरा, वृंदावन, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर करूँगा। उसके बाद मैं निकलूँगा लखनऊ की ओर। फिर उसके बाद जैसे लखनऊ हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। पहले तो अभी जाके रूम देखते, रूम में थोड़ा रेस्ट करूँगा, नहाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हुआ था।
दोस्तों मैं यहाँ पर वृंदावन में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर एक टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर है, तो वहाँ पर जाऊँगा। ये सामने है जो ये रोड दिख रहा है, तो उस टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में पहले मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ पर थोड़ा रुकूँगा, फ्रेश होऊँगा, फिर हो सकता है इवनिंग में मैं बांके बिहारी बाबा के धाम जाऊँगा, उसके बाद फिर शाम को रूम वापसी आऊँगा, अंदर की ओर जाऊँगा, तो यहाँ पर रूम वगैरह पूछूँगा क्या है क्या नहीं है करके। तो यहाँ पर शायद बहुत सारे पर्यटक यहीं पर रुकते हैं जो बाहर से आए, तो चिपेस भी है और अच्छा भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी कीर्तन भजन वगैरह हो रहा है, जितने भी तीर्थ यात्री है वो ज़्यादातर यहीं पर रुकते हैं, तो मैं यहाँ पर पूछूँगा अभी यहाँ पर पूछूँगा अंदर जाके कि क्या है रूम वगैरह का, फिर उसके बाद फिर उसके बाद हैं कौन सी बस है? बस नहीं है यहाँ पर, रूम्स वगैरह के लिए, स्टे के लिए। कितने बंदे? मैं अकेला हूँ। नहीं मिलेगा? क्यों अकेले को नहीं मिलता यार, चार से ऊपर आने चाहिए। नहीं हॉल वो हॉल में हॉल हॉल में बस होगी, बस से यात्री नहीं, मतलब जैसे हॉल में भी स्टे कर सकते हैं। हॉल में एक आदमी के लिए नहीं है ना, हॉल तो पूरे बस के लिए है, तो कुछ हो नहीं सकता प्रबंध एक पूछ लो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब एक आदमी के लिए ये से हो नहीं सकता करके, तो देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं है करके। तो दोस्तों दोस्तों यहाँ पर रूम तो सारे के सारे बुक है, लेकिन यहाँ पर हॉल है कह रहे हैं, तो सिंगल पर्सन के लिए हॉल हो जाएगा कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखता हूँ ऊपर में हॉल। तो शायद हॉल ये है तो मेरे लिए तो चल जाएगा ये इस हॉल में, तो हो जाएगा मेरे लिए तो काम। चलिए यही बुक करते हैं, अब रूम है नहीं तो इसी में रहना पड़ेगा, तो क्या करें हम, वैसे इसी में रह लेंगे, बहुत ख़राब भी नहीं है, हो जाएगा चीज़ें। तो दोस्तों डेली मैंने 5 days का सोचा था बुक करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डे बुकिंग होता है, तो पर डे का 100 rupees है हॉल का, तो यहाँ पर डेली मुझे मतलब जैसे अभी जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में मुझे फिर से बुक करवाना पड़ेगा हॉल, तभी जाके बुकिंग होगी, वरना वो हॉल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉल वगैरह सारे बुक हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हॉल बुक कर लिया मैंने, तो देखता हूँ अभी। तो रूम मिला नहीं तो मैं हॉल पहुँच चुका हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा सामान वगैरह करूँगा, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगा, थोड़ा बाहर चलते घूमने, तब तक स्टे ट्यून। और अभी शाम के हो रहे आपके 5:30 हो रहे, तो अभी यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भैया लोग मिले वहाँ पर, तो ये भैया लोग हैं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पर भैया लोग हैं तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ, और भैया लोग शायद वहाँ से सीधे रवाना हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं वापस यहीं पर आकर रात का खाना खाकर यहीं पर रेस्ट करूँगा। तो चलिए आप उसे जाकर वहीं पर जाके मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ऑटो मिल चुका है हमें, तो ये जाएगी सीधे बांके बिहारी ना भैया, तो यहाँ पर हम बांके बिहारी जाऊँगा, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पर।
हम यहाँ पर उतर चुके हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे बांके बिहारी मंदिर को। तो अभी मैं ट्राईपॉड वगैरह यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि शायद यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बंदर छीन के ले जाते हैं। तो आज से ही मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा वहाँ तक। तो कम से कम यहाँ से हमें 1 किलोमीटर आगे तक चलना है बांके बिहारी मंदिर के लिए। तो यहाँ पर जितने जो लोग हैं सब बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं, तो मैं भी उनके साथ एक हूँ। जो ये सफ़र है मेरा, जितने भी अमर शहीद है, जितने भी अमर शहीद हमारे जिन्होंने गोरखालैंड के टाइम पे अपनी जान दी थी, वो शहीद हो गए थे। तो उस शुभ कार्य के लिए मैं निकला। तो उसके बाद सीधे मथुरा आना। मथुरा आने के बाद फिर यहाँ पर बांके बिहारी का दर्शन सबसे पहले करना। तो कहीं ना कहीं दिल खुश हो गया। फिर जो भी चीज़ मैं करने जा रहा हूँ तो यहाँ से बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं दर्शन करके निकल चुका हूँ। प्रॉपर वीडियो नहीं हो पाया, टाइमलेस पे चला गया था। तो इतनी गर्मी हो रही थी तो यहाँ पर मैं भैया की दुकान पे रुका हूँ सोडा पीने के लिए। उसके बाद अब मैं शायद हो सकता है सीधे लखनऊ के लिए निकलूँ जी। तो उसके बाद सीधे लखनऊ के लिए निकलूँगा। तो यहाँ मथुरा वृंदावन में 2 या 3 दिन रुकूँगा। चलिए फिर तब तक देखते हैं और कौन कौन सी जगह यहाँ पर घूमने की और दर्शन करने की। तो दोस्तों अब मैं प्रेम मंदिर की ओर जा रहा हूँ। प्रेम मंदिर यहाँ से शायद पता नहीं 4-5 किलोमीटर दूर होगा। तो प्रेम मंदिर है, मतलब काफ़ी अच्छी मंदिर है। तो वहाँ से दिखाऊँगा आपको वहाँ पर नज़ारे कैसे कैसे है करके। तो यहाँ से हमने प्रेम मंदिर के लिए कम ले लिया। भैया हमें छोड़ देंगे भैया। तो बांके बिहारी भैया जी के यहाँ से हम निकलते हैं अब प्रेम मंदिर की ओर। यहाँ से अभी मैं प्रेम मंदिर की ओर निकल रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, तो ऐसे भीड़ के साथ ही निकलूँगा। तो मैं पहुँच ही जाऊँगा वहाँ पर। तो मैं यहाँ अंदर घुस चुका हूँ प्रेम मंदिर में। तो आपको नजारा दिखाऊंगा प्रेम मंदिर दिखता कैसे। तो पूरा प्रेम मंदिर है। पूरा प्रेम मंदिर है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन भी है। तो इतनी अच्छी लाइटनिंग मैंने आज तक किसी मंदिर में नहीं देखा। जितनी अच्छी यहाँ का डेकोरेशन है आप देख सकते हो। टाइम टू टाइम ये लाइट चेंज होगा। अभी येलो था, अभी ग्रीन हो गया। तो इतना अच्छा डेकोरेशन हमें मथुरा वृंदावन में ही मिल सकता है। प्रोजेक्शन हो रहा है, तो मतलब ये इतने एडवांस टेक्नोलॉजी इस मंदिर में है। तो ये देख सकते हैं आप। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि इसी फाउंटेन में कोई प्रोजेक्टर चला रहा है। तो काफी अच्छा है ये। पर सामने गोवर्धन पर्वत की स्मृति बनाई हुई है, दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर इस प्रेम मंदिर में एक डेकोरेशन है कि यहाँ से मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है।
जहाँ भी जाओ एकदम अलग, सब नई चीज, नया चीज, एकदम नया एकदम। तो ये चीज़ सिर्फ हमें यहीं पर दिख सकता है। तो फाइनली गाइस भैया लोगों ने मुझे रूम दिला दिया, तो भैया लोगों की वजह से मुझे बेड भी मिल गया है। तो अभी थोड़ा बाहर टहलूंगा, उसके बाद खाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। आप लोग मतलब यही पर है, और कुछ ज़्यादा पड़ेगी जो मैसेज आपके पास आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ भैया लोगों ने मदद किया मुझे, बेड भी दिलवा दी, बढ़िया एक मस्त जगह सेलेक्ट करके दे दिया उन्होंने पूरे हॉल में। तो अभी मैं बाहर जाऊंगा, तो है गया पूरा। तो फाइनली गाइस आज का सफ़र लगभग ख़त्म हो गया है, और डिनर कर लिया है मैंने, डिनर वगैरह कर लिया है, और मथुरा वृंदावन भी घूम लिया, बाकी भी आज जी के दर्शन भी कर लिया है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले मेरे सफ़र के लिए। और जो मेरा ये आत्मा शांति भ्रमण है, उस चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ जाके सपोर्ट कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को एंड मेरे Facebook पेज को। तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि।